जनपद ललितपुर में आज उस समय हड़कंप और दहशत का माहौल पैदा हो गया जब एक पुलिया के नीचे 2-3 माह की पुरानी एक अज्ञात मोटरसाइकिल कुछ राहगीरों ने देखी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ललितपुर के नेशनल हाईवे 44 पर नेहरू महाविद्यालय के पीछे वाले गेट के पास बनी पुलिया के नीचे कुछ राहगीरों ने 1-2-3 माह पुरानी अज्ञात मोटरसाइकिल को देखा, जिसकी सूचना तुरंत डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिया के नीचे 2-3 माह पुरानी अज्ञात मोटरसाइकिल मिलने से तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं, जो शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग चर्चा कर रहे हैं, आखिर यह मोटरसाइकिल किसकी है और यहाँ कैसे पहुंची? कहीं इस मोटरसाइकिल के द्वारा किसी बड़े जुर्म को तो अंजाम नहीं दिया गया? इन तमाम सवालों की जांच में जनपद की पुलिस जुट गई है। जनपद ललितपुर से राजकुमार पटेल की रिपोर्ट। जी, आप लोगों को गाड़ी कहाँ से मिली, क्या है पूरा मामला, थोड़ा जानकारी दें। हम लोग पॉइंट पे खड़े थे तो हमारी गाड़ी में 2588 में सूचना आई कि एक लावारिस गाड़ी पुल के नीचे पड़ी है। तो जब हम लोग आए फिर गांव वालों की मदद से हम लोगों ने यहाँ से निकलवाई, चौकी को सूचना दी। फिर चौकी से राकेश कुमार और दरोगा जी आए तो उन्होंने फिर गाड़ी देखी, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी उनके सुपुर्द कर दी। क्या लग रहा है गाड़ी की कंडीशन देख के, कितनी पुरानी होगी, क्या लूट वगैरह भाई होगी, क्या है गाड़ी का पता है? गाड़ी तो ऐसे लग रहा है जैसे 3-4 महीने से पड़ी हो इसमें नाले में। अच्छा। उसमें नंबर भी कुछ नहीं है, ना चेचेस नंबर है ना इंजन नंबर है। अच्छा। तो गाड़ी की जानकारी नहीं हो पा रही। क्या आशंका लगाई जा रही है, कितनी क्या? अब ऐसे कैसे बताए क्या है, कहाँ पर मिली है? मिली ये पुल के नीचे मिली, हाईवे के हाईवे पुलिया थी उसके नीचे डली थी। नेहरू महाविद्यालय के साथ वो सामने पुलिया है, पीछे हाईवे पे उसी के नीचे। ठीक है।